रहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करते हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कथा थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक जल दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस आगिन रूप को चंद्रमा से समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छीक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे